हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। रात के 9 बजे 9 बज गए हैं और सभी का खाना वाना हो गया है। आज खाना जल्दी से बना लिया था और जल्दी जल्दी खाना भी खा लिया है। एक तो क्या है ना, बारिश का भी सीज़न है तो बारिश से भी बच्चे क्या है ना, बच्चे शाम में चिड़चिड़ करते हैं। और छोटे बच्चे सभी है ना, 2-3 बच्चे घर में छोटे छोटे, तो शाम में ना फिर चिड़चिड़ वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए फिर जल्दी बना ले रहे हैं और जल्दी ही खाना खा ले रहे हैं। जल्दी से ना सारे काम निपटा ले रहे हैं। शाम में ना जल्दी से ही खाना बनाने को लग जाते हैं। दोनों भाभियाँ जल्दी जल्दी आ जाती है रूम में से और जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। और खाना पीना खा के 7-8 बज जाते हैं ना, तो सब निपट जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह देने हैं ना, तो बस उसी की पैकिंग चल रही है यहाँ पर। छोटे भाभी के भाई की सगाई है, तो हम सभी को जाना है वहाँ पे। सभी सभी को इनवाइट किया है, तो सभी को जाना है, तो परसों जाना है। तो फिर क्या है, छोटे बच्चे हैं घर में, तो जो काम निपट जाते हैं ना, बस उसको निपटा लेते हैं। और कैसा है, बच्चों के हिसाब से रहना पड़ता है ना, तो जितने काम निपट जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो सारे काम निपटा निपटा के ना थोड़े से रह ही जाते हैं। जाने के टाइम तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर कभी भाभी को पार्लर जाना है, तो कभी उस भाभी को पार्लर जाना है, तो कभी मम्मी को जाना है। मैं तो नहीं जाती हूँ ज़्यादा पार्लर, बस मैं आईब्रो करके आ जाऊँगी, बाकी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ पार्लर का। तो देखिए, इसको सुला के काम पर लगे थे, लेकिन बीच में ये उड़ गया है, तो बस इसको लेके ही करना पड़ेगा। वैसे हो गया है, सभी काम हो गया है, बस थोड़ा ही बाकी था। तो यहाँ पर पैक हो गया है गिफ्ट। यहाँ पर ना रात के 10:30 बज गए हैं और हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मम्मी मैं पापा वगैरह सभी है। बस इसी तरीके से सोते हैं, रात को गादियाँ डाल देते हैं पूरे हॉल में और सो जाते हैं। वैसे ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सोने में। हम जब हमारे मामा के जाते थे ना, तो बस इसी तरीके से आंगन में सारी गादियाँ डाल देते थे और सभी बच्चे, सभी मौसी मम्मी सभी हम ऐसे इसी तरीके से सोते थे। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अभी सुबह हो गई है और यहाँ पर ना सुबह के 9 बज गए हैं। 8:30 बजे उठ रही थी, लेकिन बस बिस्तर में से ही मम्मी से बातें कर रही थी, भाई बैठा है भाई से बातें कर रही थी, थोड़ा मोबाइल देख लिया, तो ऐसे करते करते ना यहाँ पर 9 बज गए। वैसे ना यहाँ पर नींद नहीं आती है, लेकिन बस पड़े रहते हैं बिस्तर में। सुबह से ना 5-5:30 बजे सारे उठ जाते हैं ना, तो 6 बजे से तो मुझे मेरी नींद खुली ही जाती है। 5-5:30 बजे से इनकी चहल पहल जो शुरू हो जाती है। एक तो हॉल में सोते हैं ना, तो फिर नींद नहीं आती है। एक तरफ होते तो फिर नींद लग जाती है, लेकिन सब हॉल में सारे दरवाजे खोल देते हैं, खिड़कियाँ खोल देते हैं, वो दुकान जो है ना, दुकान का शटर खोल देते हैं, तो फिर नींद कहाँ लगती है ऐसे में। तो बस पड़े रहो अपना बिस्तर पर। वैसे ना साइड में एक रूम है, उसमें कूलर भी है, लेकिन थोड़ा उसका फैन सही से नहीं चलता है ना, तो ज़्यादा हवा नहीं लगती है, तो फिर उधर नहीं सोता है कोई। तो देखिए, मैंने बिस्तर उठा लिया है, लेकिन जो दो गादी है ना, उस पर ऋषभ नहीं उठ रहा है एक गद्दी पर से, और एक गद्दी पर अमाया सोई है। ऋषभ उठ गया है, अमाया नहीं उठी है, तो वो सोई है। ऋषभ जागा है, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहा है वो, तो वो रहने देती हूँ। और बाकी का सारा उठा लिया है मैंने बिस्तर। और यहाँ पर ना मैं मम्मी साइड में बैठी है, तो मम्मी से बातें कर रही हूँ कुछ बातें। तो अब यहाँ पे रात भर भी चलती है और दिन भर भी चलती है, तो यहाँ पर अब मैं उठ जाती हूँ और ब्रश कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने और अपने लिए चाय बना लेती हूँ अब मैं। मेरे साथ साथ तो भाभीियों की चाय रखनी ही पड़ती है, लेकिन अब मैंने छोटी भाभी को बोला ना कि आप ज़्यादा चाय मत पियो, इनको आदत है पीने की, तो इनको पीने दो। तो फिर छोटी भाभी अब नहीं बोल रही है, लेकिन ना बाद में उन्होंने पी ही ली थी, सबके साथ में ना पी ही ली थी। अभी मुझे मना कर लिया, लेकिन बाद में थोड़ी सी चाय मुझसे ज़्यादा बन गई थी ना, तो बाद में फिर उन्होंने जो चाय बच गई थी ना, तो फिर बोलने लगी कि मैं ले लेती हूँ, तो फिर उन्होंने वो चाय ले ली। तो देखिए, यहाँ पे रख दिए मैंने चाय और मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, क्योंकि मैं अदरक के बिना चाय नहीं पीती हूँ। बस अदरक ही एक कारण है जिससे मुझे चाय पीने का मन करता है, नहीं तो जब अदरक नहीं होती ना घर में, तो मुझे चाय पीने का भी मन नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और अब मैं सबके लिए चाय छान रही हूँ, सबको दे भी दूंगी और छोटे भाभी के लिए भी दे दूंगी। उन्होंने बोला मुझे कि मुझे भी चाय दे दो, जो जो रह गई थी ना, तो वो मुझे दे दो, तो फिर उनको भी छान लेती, उनके लिए भी छान लेती हूँ। और यहाँ पे भाभी के कुछ काम चल रहे हैं, वो चाय पानी के नाश्ते के वगैरह काम चलते हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, आज बन रहे घर में छोले भटूरे। तो यहाँ पे भटूरे का आटा जो है भाभी लगा रही है, और भाभी ने क्या डाला है इसमें, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, और थोड़ा सा क्या है, सोडा डाल दिया। बेकिंग पाउडर नहीं है इसलिए सोडा डाल रहे हैं, अगर बेकिंग पाउडर होता है ना घर में, तो बेकिंग पाउडर ही डालते हैं। और थोड़ा सा तेल डाल दिया, तेल बोलना भूल गई मैं, तेल डाल दिया। और बस आटा लगा रही है भाभी, आटा नहीं है मैदा है, मैदे में सारी चीज़ें डाली है। देखिए, यहाँ पे आटा लगा दिया है और थोड़ा सा इसको मसल के ना रख देंगे थोड़ी देर, 2 घंटे के लिए इसको भिगने देना होता है। तो थोड़ी देर, अच्छा 5 मिनट उसको अच्छा मसलने के बाद फिर उसको ढक के रख देना है 2 घंटे के लिए साइड में, और उसके बाद में फिर छोले की तैयारी करेंगे। छोले के लिए प्याज वगैरह कट करना, टमाटर कट करना, बस वो तो सब तैयारी होती रहेंगी ना, तब तक जो आटा है ना वो भीगता रहेगा। 2 घंटे बराबर उसको भिगाना है, उसके पहले नहीं बनाने हैं जो भटूरे होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, छोले मैं बना रही हूँ, तो मैंने तेल में क्या डाल दिया है, तेल में अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। और देखिए, मैं गैस चालू करना भूल गई थी, भूल नहीं गई थी, गैस कम कर दिया था ना, तो वो बुझ गया था, तो मुझे फिर वो दिखाई नहीं, तो फिर से मैं चालू कर रही हूँ। मैं वही बोल रही थी कि लहसुन जो है क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने, और उसमें बारीक बारीक मैंने प्याज कट करके रखे, तो वो डाल दूँगी। तो देखिए, मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए है और उसको कट कर लिया था बारीक बारीक।
और उसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। और जो सारी कटिंग वगैरह ना भाभी ने करके दी है मुझे, बस मैं फ्राई कर रही हूँ। उनको मेरे स्टाइल का देखना था छोले मैं कैसे बनाती हूँ, तो बस इसीलिए मैं छोक रही हूँ यहाँ पर छोले। तो यहाँ पे छोले उबाल लिए मैंने, पहले नमक और हल्दी डाल के छोले उबाल लिए हैं। और यहाँ पे प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ। और छोले मसाला 2 पैकेट ले लिया, फैमिली बड़ी है यहाँ पर तो फिर 2 पैकेट 10 वाले 2 पैकेट देना वो लग जाते हैं, तो 10 वाले 2 पैकेट छोले मसाले ले लिया है। प्याज को ना अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, जलने नहीं देना है, बस अच्छे से मीडियम इस पर मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से होने देना है उसको। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना वो, तो बस टमाटर की पेस्ट जो निकाल के रखी है ना वो डाल देनी है। टमाटर भी मैंने बड़े बड़े साइज़ के ना 5 टमाटर ले लिए हैं, तो 5 टमाटर काफ़ी हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए तेल छोड़ दिया है टमाटर ने भी। अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले जो है ना वो डाल दूँगी, तो इसमें मैं 2 पैकेट जो है ना छोले मसाला वो डाल दूँगी, और मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, हल्दी पाउडर डाल दूँगी। दूसरे मसाले मैंने नहीं डाले इसमें, बस यही 2 पैकेट है ना, तो बस इसी से हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से भून लूँगी मैं, अच्छे से भूनते हैं ना तभी जो मसालों का स्वाद है ना वो निकल कर आता है। सही टाइम पर सही मसाले डालने होते हैं और सही तरीके से भूनना होता है, बस उसी से फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मसाले भी अच्छे से भून लिए हैं और सारे छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा पानी डाल दिया है। इसमें ना थोड़ा पत्ती का पानी मैंने उबाल कर और छान कर डाल दिया, पत्ती को उबाल लिया और छान कर डाल दिया। तो बस यहाँ पर देखिए छोले बन गए हैं और हरा धनिया डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए अब भाभी बना रही है भटूरे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भाभी बना रही है भटूरे। भटूरे के बस पूरी जैसे बनाने हैं, बस मोटी मोटी लोई लेनी है आटे की और अच्छे से तलने हैं, अच्छे नरम बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भटूरे बन गए हैं और मैं आदर्श को प्लेट लगा देती हूँ। तो फ्रेंड आज का वीडियो फिर ये भी रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।